ये है दोस्तों, देख सकते हो अब्दुल्ला शेटी 45 किलोमीटर, देख सकते हो दोस्तों। माय लोगर वो लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे। हम मीठे दोस्तों, सुबह का टाइम है, दिन है आज जुमा, देख सकते हो दोस्तों 6:48 हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने भाई से मिलने के लिए। तकरीबन यहाँ से 60-70 किलोमीटर है दूर। उसको जाएंगे, ये मोबाइल दे करके आएंगे, उसके पास मोबाइल नहीं है और बोला एक हफ्ते चलाने के लिए, तो उसको मोबाइल देने जाएंगे और उसके बाद को फिर उससे मुलाकात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जुमे के दिन यहाँ पर रोड ट्रैफिक रहती है कि नहीं रहती है और कितना टाइम लगता है हमें जाने में। व्लॉग में बने रहे शुरू से लेकर के आखिर तक। व्लॉग देखना पसंद आए भाई तो शेयर जरूर कर देना। अभी हम दोस्त को लेते हैं, अभी ठीक है भाई साहब? तो इनके रूम के बाहर खड़े हुए हैं, ये इनका रूम है, बाहर खड़े हुए हैं लेकिन अभी बाहर निकले नहीं हैं। ये निकलते हैं फिर उनको ले करके साथ में चलते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो यार, इतना तो हम अपने मैडम का इंतजार नहीं करते गुरु। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इतनी देर तक तो भाई साहब आ चुके हैं। तो भाई साहब आ गए हैं, अब इनको लेकर के सीधा जाएंगे बताहा नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे भाई के वहाँ, उसके बाद वापसी में आएंगे बताहा। सो गाइस, जुमा का दिन है, देख सकते हो कितना सन्नाटा है। व्लॉग में बने रहे, आपको दिखाते हैं यहाँ के रोड आज के दिन ट्रैफिक कितनी होती है कि नहीं होती है। और ये हैं सऊदियों के घर, देख सकते हो दोस्तों। अभी तो हम गली पे चल रहे हैं, अभी नेशनल हाईवे पे जब हम आएंगे तब आपको दिखाते हैं। कितने किलोमीटर दिखा रहे हैं? 43 किलोमीटर, देख सकते हो दोस्तों 43 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा रोड दिखा रहे हैं? सुबह का टाइम है, देख सकते हो बिल्कुल मतलब सन्नाटा है रोड पे, कोई भी नहीं दिखता आदमी। और यहाँ पर है मैकडोनल्ड्स, ये दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हो ये है मैकडोनल्ड्स। इधर ही साइड में दमूव है, ये पहले सिग्नल था 3000 रियाल का, अभी इसको तोड़ दिया है तो यहाँ पे मतलब ये डायरेक्ट रास्ता बना दिया इन लोगों ने। तो ये है दनूब मार्केट, देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब आदमी नहीं है। तो अभी हमको बहुत दूर जाना है, वापसी बता भी जाना है और 9 बजे के टाइम हमें वापस भी आना है, लंबा सफ़र है। तो तुमको अब्दुल्ला सिटी, ये अब्दुल्ला सिटी है दोस्तों, इस साइड में है। एक नेशनल हाईवे छोटी है, दूसरी नेशनल हाईवे पर हम आ गए हैं, वो थी तरीक दम्माम, ये है तरीक मक्का नेशनल हाईवे। भाई बहुत लंबा सफ़र है, चल रहे हैं और डर भी लग रहा है, कहीं पे एक भी अगर वो कैमरा आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपको सीधा। सो गाइस, तकरीबन बहुत दूर आ गए हैं, आपको हम क्या बताएं कितनी दूर आ गए हैं। और एक साल के बाद मुलाकात होने जा रही है, अल्लाह के घर पर मुलाकात हुई थी, अब एक साल के बाद होने जा रही है मुलाकात। लेकिन कहां पर आए हैं हम आपको दिखाते हैं, इधर तो ना आदम जात कुछ दिखता ही नहीं है, देख सकते हो दोस्तों। मतलब कोई बस्ती दिख ही नहीं रही बिल्कुल, बस जैसा है वैसा चली रहा है कहानी है, देख सकते हो इधर कूड़ा उड़ा है सब, बस चल रहे हैं सिंगल रोड। इस साइड में देख सकते हो ये लोग सारे अपने इंडियन हैं, मैच खेल रहे हैं। इंडियन भी हो सकते हैं, बंगाली भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, कुछ इंडियन भी है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैच हो रहा है और चलो मिलते हैं। देख सकते हो ये सारी फैक्ट्रियाँ हैं, ये जितनी भी देख सकते हो इधर सारी फैक्ट्री है और इधर भी फैक्ट्री है। लेफ्ट, अभी लेफ्ट हमको जाना है, हालांकि तकरीबन आ गए हैं हम। अब इधर से जाने में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि बताहा जाना है ना, देख सकते हो दोस्तों ये सारी फैक्ट्री, इधर घर नहीं है सिर्फ फैक्ट्री है। सो गाइस, फाइनली अपनी जगह पर हम आ गए हैं। भाई कितना टाइम लगा आने में? भाई 40 मिनट लगा आने में। ये हम आ गए हैं इंडस्ट्रीज एरिया में, यहाँ पे सब बड़ी गाड़ियों का काम होता है। जगह का नाम तो यार पता नहीं है पर इंडस्ट्रीज एरिया है। वो हमारा भाई साहब है, देख सकते हो दोस्तों, मेरे मामू का लड़का है और जो है इसी से मिलने आए हैं और इसी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर जो है सीधा चलते हैं बताहा, आपको मिलाते हैं बताहा में।
हमारा एक दोस्त वहाँ पे कंप्यूटर का काम करता है, उससे भी हम आपको मिलवाते हैं। तो चलो दोस्तों इनसे पहले मिल लेते हैं, उसके बाद फिर जो है अपना जो है चलते हैं। तो ये है हमारे भाई साहब, देख सकते हो दोस्तों। सो गाइस फाइनली भाई के रूम पे आ गए हैं, सीधा यहाँ से जाएंगे हम बताहा। उसके बाद दोस्तों वहाँ से अपने दोस्त मिलते हैं, फिर तो सीधा जाएंगे घर, हालांकि काफ़ी टाइम भी हो गया। मिलते हैं आपको सीधा बताहा में। ओके बाय। भाई यकीन नहीं मानोगे कहाँ घुस गए हैं हम, पता नहीं है, देख सकते हो कच्चे घर हैं। ये बतहे की बिल्डिंगे हैं, देख सकते हो। तो भाई कहाँ पर हम आ गए, किधर जाए यार है? पता नहीं कहाँ आ गए यार, बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं किधर जाए। देख सकते हो ये है बताहा, और हम किधर निकले और किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया हमको। तो अभी यहीं पर रुकते हैं, ये है बता, देख सकते हो दोस्तों बड़ा कंफ्यूज आ गए हैं यार यहाँ पर, तो हम दिमाग हुआ नहीं काम कर रहा है किधर किधर जाएं। ये देखो छोटी छोटी गलियों में बस खड़े करके रखे हुए हैं, क्या करें क्या ना करें भाई। इस साइड में तो है दिल्ली दरबार, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बाजार लगती है सब्जियों की। देखो ये सब्जियों की बाजार है, ये देख सकते हो सब्जियां बिकती हैं यहाँ पर, लेकिन हमको भी कुछ नहीं खरीदना है क्योंकि क्या फायदा खरीद कर। और इस साइड में भी जो है फल फ्रूट है, ये मोजे बेकर बेच रहे हैं, इधर अंगूर और सेब है, यही सब है, नींबू ये सब बेच रहे हैं। यहाँ पे बाजार लगती है, ये बताहा एरिया है। तो अभी चलो निकलते हैं बाहर फिलहाल के लिए, बहुत ट्रैफिक है देख सकते हो दोस्तों, गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं। तो हम यहाँ से पहले तो जाएंगे सीधा, उसके बाद दोस्तों फाइनली इस रोड पे हम आ गए हैं। साइड में लुलु हैपर मार्केट है, इधर नेस्टो ये है, और ये है लुलु हैपर मार्केट, आप देख सकते हो दोस्तों। ये है लुलु हैपर मार्केट, यहाँ से अंदर जाना होता है। तो अभी तो हम लुलु हैपर जाएंगे नहीं, सीधा जाएंगे। ये है ताज सेंटर। सो गाइस ये कंप्यूटर कढ़ाई है, देख सकते हो यहाँ पे नकाबों की कढ़ाई होती है। तो यहाँ पर हमारा दोस्त काम करता है, ये है कंप्यूटर कढ़ाई नकाबों की। ये बताहा एरिया है, इस साइड में जुग्गी मशीन है जो नकाबें यहाँ पे सिली जाती हैं। तो यही है वो कंप्यूटर मशीन, वो गया है अभी बकाले पे लेने के लिए पेप्सी। तो ब्लॉग को यहीं से करते हैं एंड दोस्तों, हालांकि ब्लॉग सही से बन नहीं सका क्योंकि सुबह का टाइम था, जुमा भी था, और जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आया। 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाई है हमने, तो इसलिए समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो अभी दोस्त के यहाँ पर आए हैं, समझ लो दुकान ही है, सेल्फी लेने में मस्त है। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।